अरे कुत्ता है वहाँ। क्या हुआ, ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं बजी, ये बहुत पुराना हो चुका है, मुझे नहीं लगता ये ठीक हो सकता। वाह बेटा वाह, तुमने इंजीनियरिंग कराई है और तुम एक रेडियो ठीक नहीं कर सकते? अब्बा जी, इसका मेरी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे वजन तो काफी ज्यादा, बाइसेप की एक्सरसाइज के लिए यूज हो सकता। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। अब्बा जी, रेडियो का जमाना जा चुका है, इसे फेंकें। तुम्हारा बस चले तो बाप को भी बाहर फेंक दो, क्योंकि पुराना हो गया है। अरे फेंक दो फेंक दो। अरे जेरी, उठा के फेंको इसको। अबे यार टॉम, तुम तो बिल्कुल, दुनिया डिजिटल पे जा चुकी है, आप भी डिजिटल पे जाएं। रेडियो कौन सुनता है अब? मैं सुनता हूँ। जब मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो फारिग टाइम में रेडियो सुनता था। ये ही वाहिद मेरी तन्हाई के वक्त का साथी था। और ये कोई मामूली रेडियो नहीं है, इलेक्ट्रा रेडियो, ये उस वक्त की बेस्ट कंपनी थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि मेरे जज्बात इस रेडियो से जुड़े हैं। कोशिश करके ठीक करो इसे। दादाजी, अरे भाई क्या बकवास है, कार्टून देखने दो। सुना नहीं आपने, कह रहे इस रेडियो को ठीक करके दो। कौन सुनता है इस जमाने में रेडियो? अरे बेटा, तुम्हारा बाप बावला हो चुका है। जो शख्स 20 साल पुराने अखबार रोज सुबह पढ़ता हो और ये 60 साल पुराना रेडियो सुनता हो, तो वो बावला ही हुआ ना। लेकिन एक बात सुनो, ये तुम्हारे इस रेडियो को ठीक करने का इलाज मेरे पास है। नहीं। हाँ है। बताएं। उधर जाओ, दोनों हाथों से रेडियो उठाओ। शाबाश, अब यहां आ जाओ, सामने आओ, इधर खड़े हो, सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, ले जाओ, डरो मत। शाबाश, ये हाँ, अब पूरी ताकत से इस रेडियो को जमीन पे दे मारो। क्या दादाजी, कैसी बातें कर रहे हैं? इसको तोड़ दिया ना, अब्बा मुझे तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, कार्टून देख रहे तो मुझे। बेवकूफ, दोनों बाप बेटा पागल है।